आज हम बनाने वाले हैं चाइनीज भेल। उसके लिए कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। ये मैंने नूडल्स 60-70% इसको उबाल लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे। धीरे से नूडल्स डालते हैं। गैस की फ्लेम को हमें पास ही रखना है। इसे हल्का हल्का चलाते हुए फ्राई करना है। ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसे छलनी में निकाल देते हैं। एक पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। पैन को हमें अच्छे से गरम करना है। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें हम एक छोटा टुकड़ा अदरक का बारीक काट कर डालेंगे। आधा छोटा कटोरी लहसुन बारीक कटा हुआ, आधा कटोरी मिक्स सब्जियां ली है, सब्जियां आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। गैस की फ्लेम को फास्ट ही रखना है और इसे चलाते हुए पकाना है। 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस डालेंगे। 1 छोटा चम्मच सेजवान सॉस डालेंगे। आधा चम्मच जितना विनेगर डालेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। ये हमारा सॉस बनकर तैयार है। अब प्लेटिंग करते हैं। एक बोल में हम फ्राइड नूडल्स डालेंगे। इसके ऊपर हम सॉस डालेंगे। पतले पतले प्याज डालेंगे। पतले लंबे ग्रीन प्याज डालेंगे। और ये पतला लंबा केबीज डालेंगे। थोड़ी गाजर डालेंगे। थोड़ा ग्रीन प्याज ऊपर से। अब हाथ से हमें इसे बराबर मिक्स करना है और ऊपर से ग्रीन प्याज डाल देंगे। ये हमारी चाइनीज भेल बनकर तैयार है।